एक राय रखता हूं, ये हुकूमत एक साल के लिए है या सवा साल के लिए, कलीलुल्मुद्दत हुकूमत, कलीलुल्मुद्दत हुकूमत कलीलुल्मुद्दत फैसले करे, तवीलुल्मुद्दत फैसले ना करे। हम कीमतों को बढ़ाने के, मैंने इख्तलाफ किया था, मैंने राय दी थी कि आप इख्तलाफ, ये पब्लिक में बुरा तासर जाएगा, किसको इख्तलाफ समझाएंगे। लेकिन बहरहाल जब सब एक राय रखते हैं तो फिर हमने भी कहा चलो ठीक है, आपकी एक राय है, हमने राय दे दी, पूरा रिकॉर्ड पे है, हमेशा रिकॉर्ड पर रहेगी। IMF के शरायत पर मुआहदात, उसके लिए हमें रुकावटें डालनी चाहिए थी, इस बहरान का हमें मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन सब दूसरे ने कहा जी दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ चलना है तो फिर इस तरह चलो, तो मुश्किल हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम ने अपनी राय पूरी दियारतदारी के साथ दी और हम अपनी राय दियारतदारानों तौर पर देते रहेंगे। हमने इलेक्शन 2018 के बाद जो राय दी है, अगर उससे इत्तेफाक नहीं हुआ तो जिस तरह शरी उसूल भी यही है कि जब सब दोस्त एक राय पे आ जाएं, आपने हक अदा कर दिया, बाकी उसके बाद, यहाँ तो अजीब बात है ना, जब सहाफ़ी हजरात जो हैं एकदम मुझे कहेंगे फिर आप मुस्ताफ़ी क्यों नहीं होते, यही आपका आखिरी सवाल होता है। बाबा आप भी घर में कोई ख़ानदान रखते हैं या नहीं रखते, ख़ानदान का घर में जरगा होता है या नहीं होता, तो फिर आपकी एक राय आ गई और ख़ानदान ने नहीं मानी, फिर आपको यही कहा जाएगा घर छोड़ दो, फिर घर में बैठे क्यों, मुल्क को चलाना है और मुशावरत के साथ चलाना है, लेकिन अपनी राय हम ज़रूर देते रहेंगे। लिहाजा इन हालात में मुल्क को बचाना है, इलेक्शन कमीशन तब तक ठीक है लेकिन आज गलत हो गया, नेब के ज़रिए से आप लोगों को रोज़ाना गिरफ्तार करके जलील करते रहे, लोगों पर केस करते रहे, तुमने झूठे केस किए हैं लोगों के ऊपर, तुमने सियासतदानों को जलील किया है, अपनी चोरियों पर क्यों रोजाना अदालत में जाते हो किसको ना सुना जाए, जब तुम्हारे खिलाफ केस जाता है तो आप रोजाना दरखास्त दे रहे हैं, कितनी दरखास्तें आपने दी हैं फॉर्म फंडिंग केस के हवाले से, कितनी दरखास्तें आपने अदालत को दी है BRT के हवाले से, बिलियन ट्रीज केस के हवाले से, किसको ना सुना जाए, इसको ना सुना जाए, खुद तो भाग रहे हो, अदालत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई कानून ठीक करो, गंदगी और गलासतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी, लिहाजा ऐसी हरकतें मत करो। यही फौज थी जो आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पर एतराज था, तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब जबरदस्त हैं, आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो, मैं तो खराज तासीन कहता हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि न्यूट्रल रहे, लेकिन ये तुम्हारे हक में इस्तेमाल हो रहा था, उस वक्त ठीक थे वो, आज उनको गालियां दे रहे हो, तुम शर्म नहीं आते तुम्हारे इस यू टर्न में तुम्हें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर जिमनी, आपने कहा जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, नतायज पर खुशी, और अगले दिन जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, वो क्यों भाई, एक दिन पहले शुक्रिया जबरदस्त हो गया, और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, क्यों मुस्ताफी हो जाए, तुम्हारे गिरफ्तार में हाथ पड़ गया, तुम्हारी चोरी पे हाथ पड़ गया, तुम्हारे घपलों पे हाथ पड़ गया, और मैंने हुकूमत से कहा है, परसों मैंने हमने मीटिंग की कि अगर वो पाकिस्तान के मुअज्ज़ज़ तबके को, मुअज्ज़ज़ीन को जेलों में ठोस कर जलील रुसवा करते हैं, तो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करेंगे, भाई इस तरह हम नाचने नहीं देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं, गैर जरूरी शराफत, अब हकीम सनाउल्लाह का मिलाओ, हरकत में लाओ उसको जी, कितने
इतने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, बिलियन ट्री, एक अरब दरख्त मैंने लगाए, किधर है दरख्त? बीआरटी का क्या हाल देखा, किससे पैसे खाए? मालूम जबे वाला केस किधर गया? इतने बड़े बड़े तुमने क्या कहते गोह निकले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों क्यों मुआखर किया जा रहा है? नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाज के लिए कबूल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम दुनिया में मरवजा निज़ाम जो इंसानी हकूक़ का होता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब मेरी जिम्मे है कि मैं साबित करूँ कि मैं बेगुनाह हूँ? यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करके मैं गुनाहगार हूँ? ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में इम्तियाजी तौर पर चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका खात्मा करना हमारा बिल्कुल मकसद है। और आपको इख्तदार से उतारना ये पाकिस्तान की वफादारी है। मैं आज भी पाकिस्तान के हर उस शहरी को दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि पाकिस्तान को तबाह करने के काम में इमरान खान के साथ न जाए। मुल्क को बचाने के लिए आप मैदान में आए और मुल्क के वफादार कुवतों को साथ दें। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अज़ीज़ हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। और तुम अगर इख्तदार में आने की ख्वाहिश रखते हो, पहले तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। और याद रखो हम तुम्हें आराम से एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। हम तुम्हें जानते हैं, हाँ तुम्हारे अकाओं को भी जानते हैं, तुम्हारे पीछे जो कुवतें हैं उनको भी हम जानते हैं। और ये भी तुम्हें आका ने पढ़ाया है कि मुझे गारियाँ दिया करो, पाकिस्तान में ये सियासत चलती है। यही सियासत पाकिस्तान में चलती है। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। हम भरपूर तौर पर पाकिस्तान में एक भरपूर सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क को बहरान से निकालने की तगदो कर रहे हैं। और ये लोग हैं जो हमें दलदल में फंसाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात का, ताकि हम इस्लाहात न कर सकें। जो गंद उन्होंने चार साल किया है इससे हम अब निकल ना सकें, इस्लाहात की तरफ ना आ सकें, इसमें रुकावटें डाली जाएँ, ये है उनकी सियासत, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जी, आप मुझे बताएं कि अगर एक जज उनके हक में फैसला देता है और मुझे पता है कि इस जज का दामाद इलेक्शन लड़ रहा है और वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, मैं कैसे फिर इससे इंसाफ की तवक्को रखूंगा और उसके सारे केस वो अपने पास रखना चाहता हूँ? ये तो फिर नहीं चलेगा जी। हमें नज़र आना चाहिए कि जो शख्स मेरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है उसका माहौल भी वो है कि जिस माहौल के अंदर मुझे इंसाफ मुहैया कर सकता है। अगर मुझे शुबा हो जाए और उसके किरदार पर मुझे एतराज़ हो जाए फिर कैसे चलेगी बात? लिहाजा हम एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अदलिया और मोहतरम इदारा चाहते हैं और इस किस्म के किसी भी शक व शुबा से उनको बारातर देखना चाहते हैं कि जहाँ उनके अदल इंसाफ के फैसले पर कोई एतराज़ कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। वो आखिर दावाना वो निकले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों क्यों मुआखर किया जा रहा है? नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाज के लिए कबूल कर लिया। हम अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत को अदल इंसाफ करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन अदालत को इतना तो ज़रूर कहूँगा ना कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं छीन सकती हमसे। उसे हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि आपने ये कानून इस तरह क्यों बनाया। मैं सोचता हूं कि नेब का तो इदारा ही नहीं होना चाहिए था। नेब के इदारे के साबका कवानीन के तहत पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम है, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लो, जब चाहे आप उस पर इल्ज़ाम लगा दें, फिर साबित भी वो करें कि मैं भी गुनाह हूं, वरना आप बुनियादी तौर पर मुजरिम। ये कवानीन इसको हम तस्लीम करें?
उसको हमने तब्दील करना है। और कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, ये अदालत का काम नहीं। लेकिन यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है, किस चीज़ की हौसला अफजाई? बात वही है जिस तरह अदालत ने कहा कि जो रूलिंग थी असेंबली के अंदर वो आईन शिकनी थी, डिप्टी स्पीकर ने भी आईन शिकनी की है और सदर मुमलकत ने भी आईन शिकनी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने मशवरा दिया है अपनी हुकूमत को। बात बुनियादी ये है कि हम इस वक्त मुल्क पे एक यकजहती की तरफ जाना चाहते हैं। हम इक्तसादी बहरान में हैं, 4 साल में जो बहरान पैदा किया गया, हमसे कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर आप ठीक करें इसको। लेकिन इसके बावजूद मैं एक राय रखता हूँ, ये हुकूमत 1 साल के लिए है या 1.25 साल के लिए, कलील उल मुद्दत फैसले करे, तवील उल मुद्दत फैसले ना करे। हम कीमतों को बढ़ाने के, मैंने इख्तलाफ किया था, मैंने राय दी थी कि आप इख्तलाफ, हमें नजर आना चाहिए कि जो शख्स मेरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है उसका माहौल भी वो है कि जिस माहौल के अंदर मुझे इंसाफ मुहैया कर सकता है। अगर मुझे शुबह हो जाए और उसके किरदार पर मुझे एतराज़ हो जाए फिर कैसे चलेगी बात? लिहाजा हम एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अदलिया और मोहतरम इदारा चाहते हैं, और इस किस्म के किसी भी शक व शुबा से उनको बारातर देखना चाहते हैं कि जहाँ उनके अदल इंसाफ के फैसलों पर कोई एतराज़ कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। وآخر دعوانا ان الحمد لله مولانا صاحب کل 22 ہے پنجاب کو میں نے وزیر اعظم کا خطاب اس حوالے سے وہ دونوں پارٹی ہے دعوا بھی کر رہے ہیں کہ وہاں منڈی لگی ہوئی ہے قرض کی لین ہے ممبران کو خریدا جمعیت علماء اسلام کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جانے اور وہ جانے مولانا صاحب آپ کے کہنے کے مطابق کہ 500 سے زائد قبائل جو ہیں زرگازت کے بعد اور زرگازت کے دوران شہید ہو چکے ہیں کیا مولانا صاحب آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ قوم کی نظریں آپ کی طرف ہیں آپ نے دیر نہیں کرنی اس کے خلاف اٹھنا تھا اس کے بارے میں جو شہادت ہوئی حضرت میں نے حضرت وہ واحد میں ہوں کہ جس نے آپریشن کی مخالفت کی تھی جنہوں نے آپریشن کی حمایت کی تھی جنہوں نے انضمام کی حمایت کی تھی آج آپ ان کو قبائل کا ہمدرد کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت گزرنے کے بعد فوج کو ایک گاڑی دے دو تو پھر آپ قبائل کے خیر خواہ بن گئے اس طرح نہیں ہوا کرتا سنجیدہ سیاست کرو سنجیدہ رائے قائم کرو ہم نے بر وقت رائے قائم کیے تھے اور بر وقت ہم نے رائے دی تھی لیکن فورم پر دیتے ہیں دیانت دارانہ طور پر دیتے ہیں دلائل کی بنیاد پر دیتے ہیں جب آپ کا انضمام ہوتا ہے قبائل کے مستقبل کو تاریک کیا جاتا ہے قبائل کی عزت و ناموس کو تاراج کیا جاتا ہے وہاں تو آپ فوج کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یکدم وقت آتا ہے اور پھر آپ گاڑی دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے امیج الٹا کرنے کے لیے تو ظاہر ہے قوم کی ناراضگیاں تو ہوتی ہیں ان ناراضگیوں کو آپ غلط استعمال کریں بھی آپ کی مرضی آپ صحیح استعمال کریں بھی آپ کی ہم قوم میں ایسے جذبات نہیں ابھارنا چاہتے کہ جس سے ہم اپنے ملک کے اداروں کے خلاف قوم کو کھڑا کریں یا اپنے ملک کے خلاف قوم کو کھڑا کریں میں مجھے احساس ہے اس کا میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ قیمتیں مت بڑھاؤ یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات مت کرو اس کو نئے شرائط پر انگیج کرو لیکن جب سب لوگوں نے ایک رائے دے دی تو میں کیا کر سکتا پھر نواز شریف بھی وہاں بے بس ہو گیا پھر میں بھی یعنی ہم نے رائے اپنے موقع پر بالکل صحیح دی ہے اور میں بھی یہ 2014 میں جب میں وفاقی وزیر تھا آپ ہمارے ساتھ سارے میڈیا کے لوگ ہوتے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دی تھی کہ میں نے وہاں سے کوشش کر کے 2 کمپنیاں یہاں پر لائی ہے ایک بی جے پی تھی جو بنو سکڑی کو دریائے کرم سے لے کر گمبتی چپری تک سروے کیا دوسری تھی تلو کمپنی جو کہ فارن کی تھی انگلش کمپنی تھی انہوں نے بہت عرصے سے یہ لائسنس لیا تھا لیکن وہ کام شروع نہیں کر رہے تھے میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی پیٹرولیم میں یہ نقطہ اٹھایا کہ
कि ये लोग काबिज बैठे हैं और काम भी नहीं करें। तो हमने रूल्स तब्दील किए कि अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेके वहाँ पर 3 सालों में काम शुरू न करे तो लिहाजा उसका लाइसेंस कैंसिल तस्वर किया जाएगा। और फिर तल्लु के जो मालिक थे वो मेरे पास आए, दरख्वास्त की कि आप हमें मोहलत दें। मैंने कहा सवाल पैदा नहीं हो, अगर इस टिनोर में आप काम शुरू करते तो बिस्मिल्ला। उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ बात करें। फिर मैंने माड़ी कंपनी के लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम साहब को मैंने बुलाया और मैंने उनके दरमियान माहदा करके शहर पे और बरंडेम से वो शुरू हुई और मेरी तकरीरें आज आपके चैनल पे यहाँ पर बनू में चल रही है, उस वक़्त 2014 की। और ख़ुदा का फजल है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खैर मेरी तकरीर को ज़रा इस पब्लिक में आप लोग ना यहाँ पे चैनल पे कि मैंने कहा कि ये वो खुद ख़जाना है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ख़जाना किधर नहीं होगा। और वो बात सच साबित हुई। ये गैस आपसे ले जा रही थी शुमाली वज़ीरिस्तान से टल के रास्ते को हाट। मेरे पास कबाइल के अपनी जमात के लोग आए, मेरे पास वहाँ पर उसके साथ एक दो मुस्लिम लीग के लोग भी थे। और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये प्लान है, हमने वहाँ पर जाकर उसको इधर ही घुमाया और शोवा से लेकर बनू, बनू से लेकर लकी मरवत तक इस गैस पे अभी काम जारी है। अभी यहाँ पर हमारे कुछ सियासी लोग हैं जिसको गैस के दफ्तर का पता भी नहीं है कि गैस की कंपनी का नाम क्या है, कहाँ से उसका आगाज़ होता है, और फिर अपने घर से एक खपारा लेकर वहाँ पर खुदाई भी शुरू कर दे कि मैं पाइप डाल रहा हूँ। और आप मीडिया के लोग उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, उस खपारे को भी, उस शख्स को भी हालात के मुताबिक मजबूरियाँ होती हैं, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ये शर्मनाक बातें हैं। अभी इस पे मौलाना साहब के हुक्म पे ये काम अभी मौजूदा हमने जाहिद अकरम दुरानी को हवाले किया मौलाना साहब ने, और उसने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके सेक्टी पेट्रोलियम एमडी जीएम पेशावर आपके बनू का जो काशिफ है गैस का, परसों उस पे मीटिंग की है। और परसों मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो ये है, मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब ये ज़खीरा निकला तो मौलाना साहब और हमने उससे बात की और उसने टीवी चैनल पे ऐलान किया कि सबसे पहला हक जो है ये मकामी लोगों का है, आपके चैनल सब चैनल पे आया है। मैं आज भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी बुनियाद पर जाहिद ने जो तजवीज़ दी है, अभी हम उधर से जब लाइन आएगी नूरड़ बकाखेल से, ये सीधा जाएगी ककी सचात पीधर नवरंग में अबाखेल तक, वहाँ पर जाइट होगा। लकी में भी हम मैंने कंपनी भेजी थी मौलाना साहब के हुक्म पे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैस निकला है। ये दोनों गैस आपस में कनेक्ट होंगे, ये कोई ऐसी गैस नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ जज्बाती लोग कहते कि पाइप को बंद करो, ये पाइप इतना बड़ा पाइप है कि आपके अलावा ये पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। तो इस पे परसों जो फैसले हुए हैं उस पे ये फैसला हुआ है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के 4-5 तहसीलें हैं, मीडिया पे आई होगी ये बात, सबसे पहले हम गैस उसको देंगे, ये उनका हक है। लेकिन उसका सिर्फ नहीं है, इसका नाम है बनू वेस्ट, जो कि हमारे इलाके भी उसमें शामिल है, बरंडेम से लेकर ये पूरा बनू जो है उसमें शामिल है। तो उस पर ये फैसला हुआ कि एक SMS बनाएंगे हम यहाँ पर नूरड़ के साथ, जहाँ पर उससे फिर जानी खेल को भी जाएगा, बक्का खेल को आएगा, ममन खेल को आएगा, बनू शहर को भी आएगा, और दूसरा नीचे बनाएंगे हवेद के साथ जो ककी को भी जाएगा, वहाँ पर गोरीवाला को भी जाएगा, जंडो खेल को भी जाएगा और डोमेल को भी जाएगा। बनू की तकरीबन ककी तहसील, बनू मेन तहसील, मिरियान तहसील, बक्का खेल तहसील, डोमेल तहसील, ये सब परसों के प्रोग्राम में शामिल हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान की सब तहसीलों का और बनू की तहसीलों का इस पर हक है। और इंशाल्लाह अभी अनकरीब जाहिद आएगा
प्रोजेक्ट का जो मेन दफ्तर है वो भी यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के अकबरीन के बनु में प्रोजेक्ट का दफ्तर बनेगा। और इंशाल्लाह दूसरा जो प्रोजेक्ट का दफ्तर है वो आज हमारे मौलाना अनवर साहब आए थे, उन्होंने जगह पसंद की है और वहाँ पर मौलाना अनवर साहब और हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की मरवत के जितने भी अकबरीन हैं उसके मशवरे के मुताबिक एक प्रोजेक्ट का दफ्तर उधर होगा। और परसों मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं साथ था, वज़ीर आज़म से बात की कि हमें एक मीटिंग आप दे दें, और उसने कहा आज का दिन बताया, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, मैं बनू जा रहा हूँ, बहुत बड़ा वाकया है, हम आएंगे सोमवार मंगल तक, सोमवार मंगल के दिन मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में हम जाएंगे वज़ीर आज़म के साथ, और जो फाइनल फैसले हैं वो इंशाल्लाह मंगल तक बनू को भी आ जाएंगे, शुमाली वज़ीरिस्तान को भी फैसले आ जाएंगे, लकी मरवत को भी आएंगे, डीआई खान को भी आएंगे और टांग को भी आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप अपने चैनल पे सवाल करें कि कोई एक काम ऐसा हो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कि जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा इस जुनूबी अज़ला में और फिर खुसूसन बनू, खुसूसन लकी मरवत, डीआई खान टांग, करक, वोहा ठांगू में कोई एक काम जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा किसी ने किया हो। अभी सबसे अहम इस सूबे का एक शाह रग है, वो चश्मा फर्स्ट किनाल है, और चार साल इमरान ने हकूमत की, आज तीन महीने दो महीने हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर, मशवरे पर चश्मा फर्स्ट लीफ कैनाल जो है वो अभी इंशाल्लाह इसके लिए फंड भी रिलीज होगा, और जब वो बनेगा तो 3.5-4 लाख एकड़ आपका सैराब होगा और आप अजनास में खुद कफील हो जाएंगे। मैं अपने बासियों से, बनू वालों से भी थोड़ा सा नाराज़ हूँ, मैं वो आदमी हूँ कि दिल की बात सामने लाता हूँ। मैंने आप बनू के लिए एयरपोर्ट नवाज शरीफ पे मंजूर किया, और जब यहाँ पर इमरान मेरे मुकाबले में जितवाया गया, जीता तो नहीं था, जितवाया गया, तो फिर उसने सबसे पहले आपके एयरपोर्ट को ख़त्म किया कि ये हो रेगिस्तान है, और उसके बाद उसने आपके वहाँ पर जो हम पावर हाउस कुरमगढ़ी का अपग्रेड कर रहे थे वो भी ऐलान किया कि वो भी मैंने ख़त्म किया। मैंने बनू में आकर आपके प्रेस क्लब में पूरी कौम से इल्तिजा की कि गैरतमंद लोगों निकलो, किस तरह हमारा बना बनाया एयरपोर्ट जो पैसे आ चुके हैं आपके पास पड़े हैं उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ना कोई बनोची निकला मेरे साथ और ना कोई वजीर। मैं सिर्फ बारूम का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दिन बायकॉट किया वकला ने, सिर्फ ना आपके प्रेस ने मेरा साथ दिया ना कौम ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर जो हमारा पीडीएम का जलसा था मैंने उसमें अपनी तकरीर मेरी निकालें, मैंने कहा कि ये कियादत अभी आने वाली है, हम भी मौलाना साहब के शागिर्द हैं, कुछ आगे देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। और मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह यही मौलाना फजल रहमान साहब आपको दोबारा एयरपोर्ट को शामिल करेगा और बनेगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पे वो एयरपोर्ट पीएसडीपी का हिस्सा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को लाएं और उसका संग बुनियाद रखें। और वो चीज़ भी जो आपका पावर हाउस ख़त्म किया था वो भी हमने इस साल पीएसडीपी में डाला है, और आपके लिए जो मेमनून हुसैन लाया था वो मैंने कैंपस वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल यूनिवर्सिटी बन गया, और अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे मेरे कौम खुश होती है, एक है प्रेशर पंप, एक है नाली, एक है ट्रांसफार्मर,
और एक एक कम्बा उसके भी बारिश आएगी इंशाल्लाह। मैंने तो इस बार मेगा प्रोजेक्ट के लिए सोचना भी नहीं था, क्योंकि मेरी कौम की ख्वाहिश ये कि मैं उसको ट्रांसफार्मर दे दूँ, उसके बिजली का कम्बा दे दूँ और इसके घर के सामने एक पुल बना दूँ और एक नाली बना दूँ और एक गली बना दूँ, वो खुश होते हैं। जी टाइम नाजर साहब मौलाना साहब भी देख रहे हैं, एक तो हमने हमारे प्रेस क्लब ने उम्र भर आपका साथ दिया है, एक आप साबित करें हम यहाँ पर सब किस्म के जुर्माना देंगे, एक दूसरा कि गैस की रिफाइनरी इस पे मैं आपको बात करूं। ओके सर इस पे मैं जब फेडरल मिनिस्टर था हम मशाहिद हुसैन के साथ चाइना गए और ये दो जगहों पे वहाँ पर उस वक़्त लड़ाई थी, हम उसमें शामिल नहीं थे, हमारे पास तो गैस थी ही नहीं, एक था कोहाट और एक था करक। मैंने इतनी कोशिश की कि मैंने चाइनास को सीपैक में मैं मेंबर था, अपने मौलाना साहब ने मुझे दिया था सीपैक का, अभी जाहिद मेंबर है, वहाँ पर मैंने कोशिश की और चाइनास को मैंने राजी किया कि एक कोहाट में बना दें और एक करक में बना दें। अभी FWO वालों ने करक में ज़मीन ली है, आप उससे गुजरते हैं, चारदीवारी मुकम्मल है, एग्रीमेंट साइन है, लेकिन बन नहीं रहा है। आप लोग थोड़े से टकड़े हो जाएं, हमारी आवाज़ पे आवाज़ बने, मौलाना फजल रहमान की आवाज़ बने, ये भी आएगा, इससे और चीज़ें भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर आज भी जो हमारे मुकाबले वाले लोग हैं, ये तो थे मेरे शागिर्द दरवाजे खोलने वाले, आपको मालूम है लेकिन कभी कभी आप उसको इतना ऊंचा लाते हैं ना कि मैं खुद भी हैरान जाता हूँ कि आप समझते नहीं है या इसको जानते नहीं है। अजमल कमर का बेटा हूँ, अजमल साहब अब्दुल खेल आते थे, याद है सर जी, इधर उधर खानदान की आपके पूरी उसकी कायल है, लेकिन चूंकि मैंने अभी देखो ना आपको, अभी भी जाहिद ने जो सबसे बड़ा काम किया है डिप्टी स्पीकर ने, वो आपको नया तोहफा दिया है परसों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, अभी आप वोट डालेंगे उन लोगों में जो शुमार के लोग होते हैं, ठीक है, मैं शुमार में लाता हूँ, आप पीछे दौड़ते हो अभी एक आवर काम है जी। एक क्वेश्चन मेरा भी है, ये आप दावा कर रहे हैं, बल्कि हमें सब सबको पता है कि गैस किसका काम है, कौन लाया, लेकिन अभी हर रोज हमारे बन्नू में हमारे मुश्किल हर रोज धरने कर रहे हैं, हर रोज जर्गे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ? वो मेरे भाई हैं, मैं तो इस पे भी खुश हूँ कि वो जाग थोड़े से गए, लेकिन मुझे और मौलाना फजल रहमान, मुझे नहीं, मौलाना फजल रहमान को उम्मीद देख कर किरण इसलिए जागे हैं, वरना वो तो चार सालों में इमरान की हुकूमत में नहीं निकलते थे। आप उनसे पूछे कि अभी आप में क्या जज्बा पैदा हुआ है जब चार साल आप मुर्दे थे और आप जिंदा हो गए, ये सवाल आप लोगों ने उनसे करने, इसे कहते हैं कि उम्मीद पैदा करना, उम्मीद पैदा करना, हेलो उठते हैं ना, इससे नाराज नहीं होते। मैं इस पे खुश हूँ कि मैं तो इस कौम का वो जज्बा देख रहा हूँ जो मेरे दबता जब मैंने पैदा किया, लेकिन मेरी नौजवान नस्ल जो है बड़े अदब के साथ वो अभी डोल के रक्स पे तो नाचती है, लेकिन जो मेरा जुलूम को शहीद किया जाता है उस पे, मस्जिद को शहीद किया जाता है, काजी साहब को, उस पर वो निकल निकलते हैं। अभी मैं दोबारा ठीक हुआ हूँ, उस जज्बे को इंशाल्लाह पैदा करने के लिए दोबारा मैदान में निकला हूँ और इन बच्चों को डोल पे तब्स पे नचाने के अलावा मैं उसके अबाव अजदा के जो कदम थे उस पे इंशाल्लाह वो कदम रखेंगे। हम मजीद भी कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने टास्क दिया है जाहिद अकरम दुरानी को कि और भी हम, आप देखिए आज आपकी वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने बनाई थी वो बन गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा काम जो आप लोगों के लिए किया है वो है इसाखेल से मोटरवे जो नई डिज़ाइन बन रही है गुलाम खान तक, मौलाना फजल रहमान साहब ने इसाखेल से जो डबल रोड दिया है अरसला चौकी तक और फिर आपके बनो लिंक रोड तक दरिया कुरम पे नया पुल होगा और इसके अलावा फिर आपका जो लिंक रोड है उसको मौलाना फजल रहमान साहब ने डबल किया है और उधर से आप आएंगे तो इंडस हाईवे से ओवरहेड पे बनवाएंगे। इसके मुकाबले में हमारे सूबाई हुकूमत को भी जब ये पता चला तो
तो उन्होंने भी ये कहा कि हम 24 किलोमीटर ये लिंक रोड शामिल करते हैं, और वो इतने पागल है और अंधे हैं कि 24 किलोमीटर टाउनशिप तक है, उन्होंने कहा कि शहर तक है, उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये टाउनशिप तक है। और इसके अलावा लकी मरवत को एक रोड इसी तरह तजजाई तक डबल दिया, 4 लाइन, और लकी मरवत को उसने बाईपास भी दिया है। तो इंशाल्लाह ये आपका जो इलाका है ये अभी इस्लामाबाद से आगे होगा। और मैंने आपको कहा था कि चाइनीज आएंगे, कारखाने लगाएंगे, अभी मौलाना साहब ने कोशिश शुरू की है, आपके और हमारे होते हुए जब मौलाना साहब जिंदा होंगे तो आप कारखानों में आपके बेरोजगार लोग इधर ही नौकरी करेंगे। ये वो काम है जो तारीखी है। और यहाँ पर जो आपके सामने काम हो रहा है, अभी मिरियान रोड 10 साल में नहीं बन रहा है, मंडान रोड 10 सालों में नहीं बन रहा है, लेकिन अभी बारिश आई है, मिरियान रोड का हाल देखे, वो पूरा रोड लेके गए हैं पानी, कुछ भी कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।